सो फाइनली पहुंच गए हम लोग मांडवा जेटी के पास, और सामने आप लोगों को ना M2M फेरी दिखा था। अदनान भी उसको पहली बार देख रहा है, और अदनान बोलता है काश यार उसमें गए रहते, बहुत बढ़िया। वो वहाँ पे सामने M2M फेरी। यहाँ से जाने के लिए मुंबई अपने को मालदार कैटामरन मिलने वाली है, तो इससे जाऊँगा मैं मुंबई में। और अदनान भी फर्स्ट टाइम इस बोट से जाएगा और फर्स्ट टाइम यहाँ से जाएगा, है ना अदनान? फर्स्ट टाइम जाने वाला है। तो चलो ये अभी पहुँचेगी 45 मिनट में मुंबई, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से फिर हम लोग। अस्सलाम वालेकुम, कैसा मेरा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ओके माशाल्लाह। अरे ये टी शर्ट पहन के, कितनी बार टी शर्ट पहन गए? अरे भाई ये फेवरेट ऐड करने के लिए यार, ये टी शर्ट प्रिंट किया है ना तूने, वो बहुत ही खूबसूरत है, काफी लोगों को पसंद आया। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से रहोगे। सो आज अचानक भयानक हम लोग निकल रहे मुंबई के लिए, क्योंकि अदनान का भी काम है थोड़ा सा, मेरा भी थोड़ा सा काम है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि कल एक इवेंट है ना, कोई कुछ प्रोग्राम है दासगांव में। हाँ दासगांव में, मतलब वो कवाली का है, तो कुछ अदनान को सामान लाने का है मुंबई से, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। कल प्रोग्राम है कवाली का दासगांव में, और मैं अदनान अभी जस्ट सुबह में निकले 8 बजे महाड़ से। तो अदनान को बोला गाड़ी निकाल, क्योंकि बाइक से सोचे थे हम लोग, लेकिन बाइक से जाने के बाद यहाँ से जाएंगे, फिर वहाँ पे मुंबई में शॉपिंग करेंगे, फिर शाम में निकलेंगे, तो सोचा पापा नहीं होगा, गाड़ी निकाल अपन गाड़ी से जाएंगे। तो फाइनली अदनान ने अपनी गाड़ी निकाला है। अदनान अपना कैसा रूट रहेगा जाने का? हाँ तो आज हम लोग जाएंगे महाड़ से नागुटना, जैसा मैं बाइक से जाता हूँ हमेशा, उसी रूट से नागुटना से जाओगा मांडवा जेटी के पास। वहाँ पर हम लोग बाइक अपना कार पार्किंग को लगाएंगे और बाय बोट जाएंगे मुंबई में। तो आज का सफ़र है ना, महाड़ से लेके बाय बोट मुंबई पहुँचने तक आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊँगा। और वैसे आज है फिलहाल, आज का दिन कौन सा, जुमा है ना, आज जुमा है, फ्राइडे है। तो जुमा को कहाँ पूछेंगे हम लोगों को, है ना, जुमा की नमाज़ भी पढ़ने की है, इसलिए हम लोग जल्दी निकले, नहीं तो लेट निकल देते। तो कोई बात नहीं, मुंबई में पूछने के बाद देखता हूँ कहाँ पे पॉसिबल है जुमा की नमाज़ अदा करना, उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे रुकेंगे, है ना। अगर हम लोगों को, है ना, 11 बजे तक हम लोग पहुँच जाते हैं मांडवा जेटी के पास, तो वहाँ से हम लोग 1 घंटे के अंदर 12 बजे पहुँच जाएगी मुंबई में। तो सोचता हूँ और आधा 1 घंटा जाएंगे मार्केट में भी बहुत सारे मस्जिद है, तो वहाँ पे नमाज़ अदा करेंगे, फिर अपना जो काम है वो कंटिन्यू करेंगे। क्या बोलता है, आते हो कोई रूट से रिटर्न? यस ओके। सो चलो आज पहली बार अदनान को इस रोड से लेके जाने वाला हूँ। पिछली बार भी अपन जाने वाले थे। जी बिल्कुल, लेकिन लेट हुआ था, हम लोग बाइक से निकले थे और लेट हुआ था। अदनान काफ़ी हमेशा लेट आता है, आज की आदत नहीं, हमेशा की आदत है अदनान की लेट आना। तो हम लोग जाने वाले थे बाइक से, यही रोड से जाने वाले थे नागुटना से मांडवा जेटी की बस, लेकिन अदनान लेट आया। और उस टाइम पे कैसा बारिश ख़त्म होने का, सितंबर का लास्ट एंडिंग था शायद, और बोट चालू नहीं हुई थी, है ना, जो अपनी पैसेंजर बोट है अजेंडा के, PNP मालदारी चालू नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ M2M रोरो बोट चालू थी। तो इस वजह से मैंने टाइम देखा था कि कितने बजे अपने को पहुंचना चाहिए और अपने को बोट वहाँ पे मिलेगी M2M रोरो, लेकिन अदनान लेट आया तो हम लोग पहुँचे नहीं। फिर बोला भाई अभी चल कंटिन्यू अपन बाय रोड मुंबई जाएगी, तो वो भी मैंने वीडियो डाला था आई बटन में, इंशाल्लाह वो दूंगा और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा। हम लोगों ने ना उस टाइम पे 3 पार्ट बनाए थे, यहाँ से निकले थे वो बीच में रुके, फिर वहाँ से कंटिन्यू किए, फिर मुंबई में जो शॉपिंग किए वो, ऐसे 3 पार्ट में वो मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन ये एक ही पार्ट में रहेगा, थोड़ा बड़ा वीडियो रहेगा, 15 से 20 मिनट के अंदर ही बनाने का सोचा हो, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। तो चलो निकले आज सफ़र के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और देखेंगे आज कितने बजे पहुँचते हैं, क्योंकि 12 बजे का टारगेट है। अदनान को बोल रहा हूँ कहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुकने वाले, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। अभी देखो बात करते करते ना मैं पहुँच चुका हूँ बहुर में, तो माशाल्लाह रोड इतने अच्छे हुए ना अदनान, अभी सफ़र करने को बहुत अच्छा लगता है। आज देखो मैं लेके जाऊँगा ना मांडवा से, मतलब नागुटना मार के, तो तू बोलेगा यार ये रोड बहुत अच्छे मुंबई जाने के लिए, क्योंकि अदनान हमेशा जाता है ना तो बाय रोड सीधा सीधा जाता है,
है ना, वडाला इधर उधर कुछ काम रहता है उसका तो जाता है, लेकिन आज उसको ये रोड से जो पता होगा ना तो फर्स्ट टाइम लेके जाने वाला हो और उसको एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा। तो कभी अगर उसको जाने का रहेगा ना इमरजेंसी और जल्दी आने का रहेगा तो ये रोड डेफिनेटली वो चॉइस करेगा, क्या बोलता है? अकेला कैसे जाऊंगा? तो आज देख के ले रहा, आज के इस सफर में वहाँ पे पार्किंग वगैरह के लिए आपकी भाई चाहिए? अरे कुछ टेंशन ले मत रे, फोन कर मेरे को, मैं सब कुछ इंतजाम करा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है चलो, देखो अभी फिर से वहूर भी निकल गया, दासगांव भी पहुँच गया, तो वैसे ही कंटिन्यू। मतलब रोड अच्छा है, कहाँ तक मालूम है? इंदापुर से आगे तक तो रोड अच्छा है, उसके बाद थोड़ा सा रोड ख़राब है, वो भी आप लोगों को पता होगा। तो चलो मिलता हूँ अभी आगे। इंदापुर से पहले ना रुके सीएनजी डालने के लिए, और काफ़ी टाइम गया, लाइन थी, आधा घंटा लगभग गया यहाँ पर। तो देखते हैं अभी, थोड़ा लेट ही पहुँचेंगे क्योंकि आधा घंटा यहाँ पर गया तो फिर और नाश्ते के लिए आधा घंटा, एक घंटा तो ऐसे ही आएगा, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सीएनजी लोड होने का फिर निकलते। सो फाइनली पहुँचे कहाँ पर? कोलाड के बाद ना अदनान, कोलाड के बाद पहुँचे यहाँ पे। ये होटल का नाम क्या अदनान? सो फाइनली कोलाड के आगे रुके नाश्ता करने के लिए होटल में। अब यहाँ पे नाश्ता करेंगे और निकलेंगे। हालांकि 10 बज के कितना टाइम हुआ है देखा भी नहीं, टाइम कितना हुआ है, 10 बज के गए रहेंगे, 10 नहीं बजे, 9:30 बजे। तो 9:30 बजे यहाँ पे नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर निकलेंगे। लेट हुआ है क्योंकि सीएनजी के लिए हमारे को है ना आधा घंटा वहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे आधा घंटा जाएगा, थोड़ा लेट ही पहुँचेगा ऐसा लग रहा है। तो फाइनली अदनान ने बोला दही मिसल खाएंगे, तो एक ही मिसल मंगाए क्योंकि कैसा टेस्ट है क्या है कुछ आइडिया नहीं। टेस्ट अच्छा लग रहा है, देख के टेस्ट अच्छा लग रहा है, खाएंगे तो और भी समझेगा। और मतलब जितना जो भी आइटम लेंगे ना उसके ऊपर कितना जीएसटी है? 5% जीएसटी है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना तुम? ना, खाने का या नहीं खाने का। और कुछ बिस्मिल्लाह करते। मिसल पाव खाए है ना, अच्छा था? मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक है। अभी क्या मंगाया? ब्रेड टोस्ट, जैम मस्का पाव, कुछ है अंदर? हाँ है, सब पिघल गया। और चाय मंगाए, ये खाएगा निकलेगा है ना। टाइम बहुत हो चुका है, आधा घंटा एक घंटा तो चला गया ऐसे ही। सीएनजी के लिए आधा घंटा और यहाँ पे नाश्ते के लिए एक घंटा, आधा घंटा मतलब एक घंटा गया। 12 बजे पहुँचने वाले थे 11 बजे, लेकिन पॉसिबल नहीं है 12 बजे पहुँचेंगे। चलो निकलते अभी खा कर। टेस्टी है, वेरी टेस्टी। चलो सफ़र की शुरुआत करेंगे। अब कहाँ से? कोलाड के आगे ना हम। ओके, और टाइम हो रहा है 10 बज चुके। बाप रे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानल्लज़ी सख़र हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन وإن إلى ربنا لمنقلبون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. चलो अदनान भाई, अदनान भाई वीडियो बना रहा है मेरा भाई। बस सो फाइनली अभी यहाँ से ना लेफ्ट लेने के बाद नागोटना सिटी मतलब नागोटना गांव आएगा, नागोटना बस जाने का, वो आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो महार से निकले थे हम लोग, लगभग यहाँ पे 10:30 बज चुके और नागोटना में पहुँच गए। तो महार से निकलने के बाद है ना यहाँ तक सफ़र हो चुका है, और यहाँ से अभी मांडवा अलीबाग जाने का है। तो लगभग है ना हम लोगों को 12 बज जाएंगे मांडवा जेटी गैस पहुँचने के लिए। तो अभी ये नागोटना सिटी है, नागोटना का बस स्टैंड, और यहाँ से आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे जाकर आप लोगों को लेफ़्ट साइड में जाने का है। सो चलिए, ये नागोटना का मार्केट है, नागोटना का बाज़ार पेट ये भी बोल सकते हैं इसको। और नागोटना में
एक बार जाऊंगा मैं, शूट करूंगा नागोटना विलेज इंशाल्लाह। जो भी अपने सब्सक्राइबर रहेंगे उनके ज़रिए से जाऊंगा और नागोटना शूट करूँगा। नागोटना में एक्चुअली हुरूस भी होता है, बहुत ज़ोर में हुरूस होता है, तो वहाँ पर भी जाने का इरादा है। देखता हूँ कभी चांस मिलता है तो जाऊँगा इंशाल्लाह। अली भाई। यस बॉस। यस बॉस, ये कहाँ निकले गए अपन बाहर? अभी देखो कहाँ पे निकले गए, MIDC है ना, MIDC नागोटना की। हाँ। वहाँ पे ऐसा, वहाँ से आगे से लेफ्ट लेने का जो गाड़ी गई ना। हाँ। वहाँ से हमारे को लेफ्ट लेने का है। यस बॉस। क्या दरगाह है ना आगे? हाँ आगे दरगाह है, बराबर राइट ना। यस यस अदनान। हाँ। ये रोड पर है ना ट्रैफिक पुलिस नहीं, लेकिन ये पुलिस बहुत खतरनाक है। अली। हाँ भाई। ये बाइक की पाइपलाइन क्या है, MIDC वगैरह? MIDC। हाँ, रोड कितना क्लीन है, एक नंबर है ना रोड, मस्का है, मस्का एकदम मस्का रोड है। इस रोड पे ना अदनान देखो गाड़ियाँ कम मिलेगी। हाँ, जो कंपनी की गाड़ियाँ ना वही मिलेगी, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं। अच्छा। और ST भी टाइम टू टाइम चलती है, ज़्यादा ST नहीं चलती इधर। हाँ। बहुत मस्त रोड है इधर। अभी पहुँच गए पेजारी, जो फाटा है पेजारी मार्ग। कहाँ जाने का राइट? यहाँ से अपने को लेफ्ट लेने का है। लेफ्ट? हाँ, ये लेफ्ट लेके ना। हाँ। आगे से फिर थोड़ा यहाँ से लगता 5-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ से राइट लेने का है। हाँ। मांडवा जेटी के बाद जाने के लिए। मतलब लगभग पहुँच गए? पहुँच गए। फिनिश। कैसा रूट लगा ये देखो आज का? बेस्ट एकदम। थकान हुई है सफर में? बिल्कुल नहीं। देखो अदनान, अभी लगभग मांडवा जेटी के नज़दीक है हम लोग, और यहाँ से ना अभी आगे से राइट लेने गए। राइट? राइट लेके मांडवा 17 किलोमीटर है यहाँ से। 17 किलोमीटर? हाँ। तो ये ट्रैवल है ना सबसे बेस्ट ट्रैवल लगता है मेरे को मुंबई जाने के लिए। अब सीधा सीधा ये रोड गया ना वो अलीबाग में गया। ऐसा? हाँ, ये सीधा अलीबाग के लिए, और राइट लेने के बाद अपने अपने को जाने के जेटी की बस, मांडवा जेटी। सीधा अलीबाग से भी जा सकता है, लेकिन वो कैसा लंबा डिस्टेंस हो जाएगा अगर मांडवा जेटी के बाद जाने का है तो, वरना अलीबाग के लिए बेस्ट है ये। वड़खल से आने की ज़रूरत नहीं, वड़खल से और लंबा हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, उसका फिर अपना फ्यूल ज़्यादा खर्चा होता है। देख यहाँ से लेफ्ट लेने का, आगे से, आगे से ये ध्यान रख। हाँ, यहाँ से लेफ्ट लेके, सॉरी राइट लेके, सॉरी ओके मैं भाई, राइट लेके। देख वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है मांडवा जेटी, मांडवा बंदर 18 किलोमीटर, रेवर्स 12 किलोमीटर, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है। ओके ओके, चल और आगे जाने के बाद मैं देखो बताता हूँ, फिर से एक राइट लेने का है। हाँ। वो देखो आगे जाके बताऊंगा। ओके थैंक यू। अब आगे से ना अदनान। हाँ। राइट लेने का है फिर से यहाँ से। हाँ, यहाँ से राइट लेके मेरे को लगता है 10 किलोमीटर रहेगा यहाँ से, 10-11 किलोमीटर, समझा? ओके चलो पहुंच गए फिर। यस बॉस। अदनान, जो सामने एक बस दिखाई दे रही है व्हाइट एंड ब्लू। हाँ। ये जो मुंबई में PNP कैटामरान चलती है ना, जिसका वीडियो मैंने डाला था। हाँ। तो वो कंपनी के बस है ये वाली PNP। ये देख दो दो बस, तो ये बसेस है ना। हाँ। ये बोट निकलती है गेटवे से मांडवा में आने के लिए। हाँ। तो अलीबाग से ये निकलती है, आधे घंटे के अंदर पहुँचती है पे मांडवा जेटी के पास। okay. और फिर जो टिकट रहता है 250 रुपीज PNP का। हाँ। उसमें इंक्लूड रहती है बस। अच्छा। हाँ, वाली 250 रुपीज ओनली, मतलब उधर से अलीबाग। वाह, मतलब उधर से वो शिप ड्रॉप कर दिए मांडवा जेटी के पास। अच्छा, उधर से फिर ये बस लेके जाते हैं। हाँ। फाइनली पहुँच गए इधर जेटी के पास। अरे वाह, अदनान कैसा सफर रहा मेरे को बोल। सफर तो माशाल्लाह रहा। हाँ। उसी के साथ साथ वहाँ जबरदस्त, अदनान तो सीनरी से पहली बार देखने वाला है, और अदनान इधर उधर देख रहा है भी। हाँ? अच्छा लगा ना मेरे को, तेरे को कैसा अच्छा लगा? मैं तो भाई डेली आता हूँ, डेली आता हूँ। एक सामने यहाँ पे पार्किंग के लिए अंदर पेन पार्क है। बाप रे, कितनी गाड़ी है पार्किंग में, ऐसा M2M फेरीज के। हाँ। सो फाइनली पहुंच गए हम लोग मांडवा जेटी के पास, और सामने आप लोगों को ना M2M फेरी दिखा था, अदनान भी उसको पहली बार देख रहा है, और अदनान मतलब काश यार उसमें गए रहते। बहुत बढ़िया।
वो वहाँ पे सामने M2M फेरी। अदनान को जब पिछली बार मैं लाया था ना तो उसको बोला था इसी फेरी बोट से जाने का मुंबई के लिए, जब मैं बाइक से आया था ना पिछले टाइम अपन आए थे तो उस टाइम पे इसी बोट से जाने का था, बहुत मिस किए उस टाइम पे। अदनान ने लेट किया इसलिए वो बोट तो चली गई थी, लेकिन आज बोट है और हमारे को जाने का नहीं, उससे जाने का नहीं। ओके गाड़ियाँ जा रहे हैं, हाँ वहाँ से गाड़ियाँ जा रहे हैं, अदनान देख रहे सब, काश अपन भी गए होते। चलो जाता हूँ आगे जेटी के पास, वहाँ से देखता हूँ कौन सी बोट मिलती है, वो आप लोगों को बताता हूँ। मानो मैं जेटी के पास और यहाँ पे अपने सब दोस्त लोग गए, प्रणीत है, अभय, अभय, मयूर है, आदित्य और आदित्य, और कड़ू किधर गया? कड़ू घूमने गया, कड़ू है घूमने के लिए। सो चलो तो फाइनली अभी पहुँचा हूँ मांडवा जेटी के पास, और यहाँ से जाने के लिए मुंबई अपने को मालदार कैटामरन मिलने वाली है, तो इससे जाऊँगा मैं मुंबई में। और अदनान भी फर्स्ट टाइम इस बोट से जाएगा और फर्स्ट टाइम यहाँ से जाएगा, है ना अदनान? फर्स्ट टाइम जाने वाला है। तो चलो ये अभी पहुँचेगी 45 मिनट में मुंबई, मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से फिर हम लोग को मार्केट में आने का है, तो आगे देखते हैं। और जाने के लिए ऐसे 45 मिनट जाएगी तो नमाज भी वहाँ पे मेरे को आधा करनी पड़ेगी क्योंकि नमाज का टाइम हो जाएगा, तो जल्दी से आके वहाँ पे नमाज पढ़ के फिर आगे मैं आपको बता देता हूँ। अभी देख M2M फेरी निकली है मांडवा जेटी से, वो जाएगी भाऊसा तक का फेरी ऑफ। खाना पीना रहता है? सब रहता है सब, अभी इसमें भी रहेगा, इसमें जाएगा ना हम मालदार कैटामरन में, तो इसमें भी सब कुछ है। सो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं गेटवे ऑफ इंडिया। और अदनान कैसा रहा सफ़र आज का? एकदम परफेक्ट, अच्छा लगा ना ट्रैवल? ज़बरदस्त, शॉर्टकट भी और एकदम सुकून से। तुझे ऐसे रोज़ जाता है डायरेक्टली बाय रोड से, वो अच्छा है क्या? ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है ना, अभी तू रहेगा तो अच्छा है क्योंकि तो तेरी सेटिंग बहुत है। ओके ओके, तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। खुदा हाफिज़, मिलते हैं वापस अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वसलाम।